और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। सहरसा के बिहरा थाना क्षेत्र में दो बाइक पर सवार चार की संख्या में बदमाशों ने 18 वर्षीय युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया। आनंद फानंद में परिजनों द्वारा जख्मी युवक को सहरसा स्थित निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी देते हुए जख्मी संकेत झा ने बताया कि बीते दिन वह अपने घर से मंदिर की ओर जा रहा था, इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने उस पर गोली चला दी और वहीं उसी वक्त बदमाश द्वारा करीब 4 राउंड फायरिंग भी की गई। बता दें कि बीते 8 जून को उक्त जख्मी युवक संकेत झा अपने सहयोगियों के साथ मुख्तार मंदिर के पास दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें 23 वर्षीय मनखुश झा को जख्मी हुआ। आगे गली के पास गए, वहाँ चार बोया बाइक सवार होकर गोली चलाने लगा, उसे पैर में गोली कर दिया, हम वहाँ गिर गए। फिर आगे जाके भी गोली चलाया, पूरा टोल में गली में चलाते हुए निकल गया। चार कहाँ का मामला? पंचकक्षा मस्जिद तो वार्ड नंबर 5 में। कौन थाना से? डेरा थाना। क्या नाम है? संकेत कुमार झा। पहचाने किसी को? चार गो को। कौन? पहला में सुकुमार झा, दूसरा में सौरभ सिंह, तीसरा में मंटुम झा, चौथा में शंकर झा। कोई पुराना विवाद था? नहीं, ऐसे ही बार बार टॉर्चर कर रहा था। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इंद्रदेव हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। इंद्रदेव, सहरसा में बदमाशों का आतंक देखा गया है, एक 18 वर्षीय को गोली मार दी, इंद्रदेव। जी, दरअसल ये पुराने विवाद का बदला के नियत से इस पे गोली चलाया गया था जी। ये पूर्व में आरोपित है जो कि ये खुद गोली चलाए हुए थे उस पे, जिसके बदला को लेकर के मनकुश झा जो पहले जख्मी हुए थे उसी तरफ के जो इन पे आरोप लगाया था गोली चलाने का, और आरोपित है भी और बीरा थाना में इनका नाम दर्ज भी है जी, जिसको लेकर के वो घात लगाए हुए थे पहले से और इन पे गोली चलाया कल। तो दोनों के बीच विवाद क्या था? ये पुराना विवाद कुछ ये दोनों दारू कारोबारी है दरअसल, और जिसको लेकर के दोनों वर्चस्व की लड़ाई थी जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।